हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का नई वीडियो में वेलकम है। बट कैसे मेरे एडिटर फ्रेंड्स, आई होप ये अभी एकदम मस्त होंगे, मस्ती रहेंगे। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको मैं इस टाइप का एडिटिंग, डबल एडिटिंग। तो दोस्तों, ऐसा एडिटिंग करने के लिए आपको कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा पीएनजी यूज करना पड़ेगा, इसने इस वीडियो में सब कुछ बताने का दिया है। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और गाइस यार, आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। देखो, अगर आपको ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गाइस पूरी वीडियो देखना, वरना देखो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आने के बाद आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो एडिट करने के लिए। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने पिक्सार्ट के अंदर अपने बैकग्राउंड को लेकर। बट दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों, आता हूँ रिसेंट में आने के बाद अब आता हूँ अपने एडोब लाइटरूम के अंदर। एडोब लाइटरूम के अंदर आने के बाद दोस्तों, इसमें मैं ये वाला मॉडल ले लूँगा अपना एडिटिंग दोस्तों। तो इसमें इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा। एंड इसको फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। एंड ऊपर करने के बाद अब आता हूँ मैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद दोस्तों, नीचे आता हूँ थोड़ा सा। एंड नीचे आने के बाद इसमें भी ये वाला पीएनजी ले लूँगा। एंड ये वाला पीएनजी लेने के बाद आपको इसके ऐसे फुल स्क्रीन कर देना होगा। एंड जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए। एंड देखिए कि दोस्तों, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया है। बट दोस्तों, मैं आता हूँ दोबारा से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद दोस्तों, आता हूँ मैं रिसेंट में आने के बाद अब आता हूँ मैं अपने इमेज पीएनजी में। एंड इमेज पीएनजी में आने के बाद नीचे आता हूँ थोड़ा सा। एंड नीचे आने के बाद इसमें मैं ये वाला ले लूँगा अपने मॉडल को। एंड इसको मॉडल को लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। एंड इसको इतना बड़ा करने के बाद देखिए दोस्तों, कितने क्रिएटिव फोटो लग रहा है अब ये। बट दोस्तों, अब मैं चलता हूँ दोबारा से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों, आता हूँ नीचे थोड़ा सा। एंड नीचे आने के बाद इसमें भी वाला बर्ड वाला पीएनजी ले लूँगा। एंड दोस्तों, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँगा। अब देखिए दोस्तों, कितना क्रिएटिव लग रहा है यार, और ज़्यादा। बट दोस्तों, अब मैं चलता हूँ दोबारा से अभी ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाता हूँ दोबारा से। एंड इसमें मैं ये वाला पीएनजी ले लूँगा, फ्लैश वाला। एंड इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँगा इसको भी। एंड इसको मैं ब्लेंड में जाकर इसको कर दूँगा स्क्रीन। एंड स्क्रीन करने के बाद इसको मैं, एंड दोस्तों इसको मैं मूव डाउन कर दूँगा। अब देखिए दोस्तों, कितना क्रिएटिव लग रहा है दोस्तों। बट दोस्तों, अब मैं दोबारा से आता हूँ अपने ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद दोस्तों, नीचे आता हूँ मैं फिर से रिसेंट पर। रिसेंट में आने के बाद अब आता हूँ मैं डाउनलोड में। एंड डाउनलोड में आने के बाद इसमें मैं ये वाला पीएनजी ले लूँगा। एंड इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँगा। एंड इसको फुल स्क्रीन करने के बाद इसको भी मैं नीचे की साइड में रख लूँगा। अब दोस्तों, आता हूँ मैं अपने ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद दोस्तों, रिसेंट में आने के बाद अब मैं अपना लोगो सेट कर लूँगा। बट दोस्तों, मैं फोटो कर दूंगा राइट। एंड राइट करने के बाद अब आता हूँ दोस्तों मैं अपने ड्रो टूल में आने के बाद दोस्तों, थ्री डॉट पर क्लिक करके मैं लाइट रूम के अंदर जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं लाइट रूम के अंदर आ गया अपनी डीपी को लेकर। बट दोस्तों, मैं चलता हूँ मिक्स में। एंड मिक्स में जाने के बाद दोस्तों, आता हूँ मैं कलर पर मिक्स में। एंड दोस्तों, अब इसमें आता हूँ इस वाले कलर पर। एंड इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा, हुई को इंक्रीज, इसकी सैचुरेशन को थोड़ी सी डिक्रीज कर दूंगा, इसकी लुमिनस को इंक्रीज कर दूंगा। एंड दोस्तों, अब मैं आता हूँ ब्लू कलर पर। एंड इसको मैं डिक्रीज कर दूंगा, इसकी सैचुरेशन को थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, इसकी लुमिनस को भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँगा, इसकी सैचुरेशन को थोड़ी सी डिक्रीज करके देखता हूँ। वेरी गुड। बट दोस्तों, आता हूँ मैं ऑरेंज कलर पर। इसकी मैं लुमिनस को इंक्रीज कर लूँगा, इसकी सैचुरेशन को थोड़ी सी डिक्रीज कर दूंगा, इसकी हुई को थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, इसकी लुमिनस को थोड़ी सी और इंक्रीज कर दूंगा। एंड दोस्तों, मैं आता हूँ ऑरेंज कलर पर। एंड इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा हुई को। एंड इसकी सैचुरेशन को थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, इसकी लुमिनस को भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँगा। एंड दोस्तों, मैं कर दूँगा इसको फोटो को डन। एंड डन करने के बाद दोस्तों, आता हूँ मैं इस वाले टूल्स में। एंड इसको मैं विग्नेट को थोड़ी सी डिक्रीज कर लूँगा। एंड इसकी क्लियरिटी को थोड़ी सी इंक्रीज कर दूँगा दोस्तों, बस। एंड देखिए दोस्तों, पहला फोटो कैसा था और अब कैसे हो चुका है। तो दोस्तों, आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस यार, चैनल पर नए होते हैं, चैनल पर से कुछ नया सीखने को मिला होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे इंक्रीज करता है, मुझे बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्रिएटिव एडिटिंग मिलती है। और दोस्तों, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जाकर अपने फोटो को हम सेव भी कर लेंगे।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।